नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैं स्वयं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू आप सभी बीकॉम थर्ड के स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं वो जो आपको दो जो लेक्चर दिए गए थे इसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो पंजीयन जो था CGST SGST के अंतर्गत जो पंजीयन संबंधी प्रावधान थे और जो पंजीयन की प्रक्रिया थी जो अपन ने देखा था कि वो जो सेक्शन 22, 24, 25, 23 ये जो सेक्शंस थी जिसके अंतर्गत जो आपको बताए गए थे पंजीयन संबंधी प्रावधान, उसके बाद में जो रूल्स से संबंधित बातें थी सेक्शन रूल 8, 9, 10 ये जो रूल्स में जो अपन ने महत्वपूर्ण बातें पढ़ी थी प्रक्रिया के संबंध में, वो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं। उनको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपन यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे जो कि आपकी बुक में दी गई हैं, तो वो ये प्रॉब्लम जो है वो हम यहाँ लेते हैं। देखिए, जैसे ये पूछ रहा है कि आपको कारण से ये बताना है कि एक आपूर्तिकर्ता पंजीकरण के लिए दायी है अथवा नहीं। जब पंजीकरण के लिए दायी होने की बात आती है तो अपन ने देखा था कि सेक्शन 22 के अंतर्गत हम पंजीकरण के लिए दायी होने या नहीं होने के बारे में अध्ययन करते हैं। वहां पर दायी होने का मतलब यह होता है कि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर जो होती है वो 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, वो जो सीमाएं बताई गई हैं अलग अलग स्टेट की अलग अलग पोजिशन के हिसाब से, उन सीमाओं को वो पार कर जाता है या नहीं कर जाता, तो आपको वो जो है वो उसमें जो है सेक्शन 22 का वो प्रोविजन आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो हमारे को एक बात और थी कि जैसे हमने 22, 24, 25, 3 जिसके अंतर्गत अपने ये देखा था कि वो दायी होता है, वो अनिवार्य पंजीयन होता है सेक्शन 24 में, सेक्शन 25(3) के अंतर्गत वो ऐच्छिक से पंजीकरण कराता है, वो कौन सी वो पोजीशन अलग है। यहां पर केवल दायी होने वाला है तो सेक्शन 22 के अंतर्गत जो नियम है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे अपन लेते हैं पहला पॉइंट, ये क्या कहता है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल प्राकृतिक गैस आदि की आपूर्ति अप्रैल 2020 से प्रारंभ की गई है, वर्ष के अंत तक उसकी आपूर्ति का मूल्य 1.5 करोड़ रुपए होने की संभावना है। तो एक तो बात तो ये होगी, तो क्या दूसरी क्या स्थिति होगी यदि वो 10 लाख रुपए मूल्य तक के टायर ट्यूब की भी आपूर्ति करता है। तो पहली वाली पोजिशन के अंतर्गत तो उसकी लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। कौन सी लाइबिलिटी नहीं होगी? CGST और SGST की, क्योंकि हमारी सेक्शन 22 के अंतर्गत एक बात इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि वो केवल जब पूर्णतः कर मुक्त माल का जब वो आपूर्ति करता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है वो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो GST के दायरे में नहीं है पेट्रोलियम पदार्थ, इसलिए उसको इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दूसरी पोजिशन के अंतर्गत क्या है कि वो पूर्णतः केवल इन्हीं का व्यापारी नहीं है, अगर वो 10 लाख रुपये की टायर ट्यूब भी बेच रहा होता है ना, तो ऐसी स्थिति में टायर ट्यूब तो 10 लाख रुपए की बेच रहा है, यानी 20 लाख रुपए से कम की सीमा है उसकी, या मान लो केवल टायर ट्यूब के जो केवल माल की बात हो गई तो 40 लाख से कम हो सके, तो वो है कम, वो सीमाएं तो हैं उसकी। लेकिन जब ऐसी स्थिति में वो केवल करमुक्त माल का मनी नहीं होता है तो फिर एग्रीगेट सप्लाई के अंदर जो करमुक्त होता है उसको भी जोड़ा जाता है, तो उस हिसाब से 1.5 करोड़ और 10, 1 करोड़ 60 लाख हो जाते हैं, तो वो सीमाओं को पार कर जाता है, इसलिए उसको सेकेंड पोजीशन के अंतर्गत है उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। सेकेंड पोजीशन अपन लेते हैं, एक व्यक्ति मानवीय उपभोग की मादक शराब का आपूर्ति करता है और वित्तीय वर्ष और 2021 में उसकी आपूर्ति का मूल्य 45 लाख रुपए होने की संभावना है, वो 20 लाख रुपए तक की शराब मध्य प्रदेश से भी क्रय करता है। तो इस सेकेंड पोजिशन के अंतर्गत क्या है कि 45 लाख रुपये उसकी आपूर्ति का मूल्य है, इसलिए ये बात तो निश्चित हो गई कि भाई ये 45 लाख रुपए की उसकी शराब का ये आपूर्ति करता है। शराब जो मानवीय उपभोग की शराब है वो शराब तो GST के दायरे में आती नहीं है, क्योंकि जो मुख्य रूप से जो इसमें छोड़ी गई तो पेट्रोलियम पदार्थ मानवीय उपभोग की शराब ये GST के दायरे से बाहर हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये कर मुक्त हैं, और इसलिए चाहे कितने ही लाख की बेची जाए वो इसके लिए दायी नहीं होगा। लेकिन उसमें कहता है कि 20 लाख रुपए की शराब मध्य प्रदेश से क्रय करता है, तो क्रय करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्रय में तो केवल आपूर्ति मूल्य देखा जाता है, क्रय कितना ही और कहीं से करे इससे उसको तो कुछ
मतलब वो इसके ऊपर टैक्स के दायरे में, तो क्रय करने पर तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसलिए वो तो बात ही हो गई। लेकिन शराब की जहाँ तक बात है आपूर्ति की, वो टैक्स के दायरे में नहीं आती, इसलिए नहीं लाइबल। एक व्यक्ति कपड़े की आपूर्ति केवल राजस्थान में करता है, वित्तीय वर्ष 1920 में उसके द्वारा की गई आपूर्ति का मूल्य 28 लाख रुपये था, केवल राजस्थान में करता है, और वित्तीय वर्ष में उसकी कपड़े की जो आपूर्ति का मूल्य 28 लाख रुपये था 1920 में, वो 40 लाख रुपये से कम था, इसलिए ये लाइबल नहीं था। क्लियर बात, ये लाइबल नहीं था। लेकिन वर्ष 2021 में उसकी आपूर्ति का मूल्य 38 लाख रुपये है, तो भी वो लाइबल नहीं है क्योंकि 40 लाख रुपये से कम का है। लेकिन चूंकि वो 2021 में 10 लाख रुपये की आपूर्ति हरियाणा में भी करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो 2021 के लिए लाइबल हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट से टर्न ओवर हो जाएगी, और इंटरेस्ट रेट सप्लाई होते ही चाहे 1 रुपये की क्यों नहीं की जाए, केवल सेवाओं को छोड़ करके, ऐसी स्थिति में ये लिमिट कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए दूसरी पोजीशन के अंतर्गत 2021 के अंदर वो है वो लाइबल होगा, यानी उसके लिए दायी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021 में एक व्यक्ति की आपूर्तियों का कुल मूल्य 45 लाख रुपये होने का अनुमान है, जिसमें 10 लाख रुपये की आपूर्ति ऐसे माल की है जिस पर विपरीत प्रभाव के आधार पर कर भुगतान का दायित्व तो प्राप्तिकर्ता का होगा। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे आप बड़ा इसका अंदर बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में रखना है, रिवर्स चार्ज वाली बात। रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता का दायित्व होता है वही माना जाता है जिसमें जो कर भुगतान का दायित्व प्राप्तिकर्ता का है, यहां पर है, तो रिवर्स चार्ज में कर भुगतान का जो दायित्व होता है वो प्राप्तिकर्ता का ही होता है। लेकिन अगर इस प्रकार की आपूर्ति जो होती है वो जावक आपूर्ति है, जैसे ये आपूर्ति कर रहा है, तो इसकी जो है वो लिमिट में ये निश्चित रूप से इसको जोड़ा जाएगा। 10 लाख रुपए की जो है, ऐसा नहीं है कि ये माइनस हो जाएगी और 35 लाख रुपए हो जाएगी, तो वो नहीं है, मतलब वो माइनस नहीं होती है। वहां पर एक बात ध्यान क्या रखने की होती है कि यदि मान लीजिए अगर यही व्यापारी ऐसा होता है कि इसकी 45 लाख रुपए की है और इसमें 10 लाख रुपए की जो है वो शामिल है कौन सी, आवक आपूर्ति, यानी उसने क्रय किया गया है जिस पर इसने टैक्स चुकाया है वो आपूर्ति इसमें शामिल है, तो वो माइनस हो जाती है। लेकिन जावक आपूर्ति जो है वो इसकी 10 लाख रुपए की है, यद्यपि उसके ऊपर टैक्स आगे वाला चुकाएगा लेकिन आपूर्ति में इसके जोड़ा जाएगा, इसलिए इसको अपन माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये जावक आपूर्ति है। आवक आपूर्ति जो होती है जिस पर रिवर्स चार्ज में, वो नहीं जोड़ी जाती है। तो रिवर्स चार्ज के अंदर कई बार क्या होता है, ये कह दिया कि भाई उसकी कुल आपूर्ति 45 लाख है, जिसमें जो जो रिवर्स चार्ज के अंतर्गत जो आपूर्ति उसके पास प्राप्त हुई है वो भी इसमें शामिल होता है, तो वो प्राप्त की गई आपूर्ति को इसमें नहीं जोड़ा जाता। बस ये इतनी बात ध्यान रखने के। एक व्यक्ति एक माल परिवहन कंपनी का संचालन करता है, वित्तीय वर्ष में उसकी प्राप्ति 45 लाख रुपए की होने की संभावना है। परिवहन कंपनी के अंतर्गत जो सेवाएं जब देने वाली कंपनी होती हैं, तो जो सेवाएं लेता है वो टैक्स चुकाता है, यानी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत इनसे सेवाएं लेने वाला टैक्स चुकाता है, इसलिए 45 लाख रुपए की होने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि ये परिवहन कंपनी दायी नहीं है। एक व्यक्ति का मोटर पार्ट्स का व्यवसाय है, वित्तीय वर्ष 2021 में उसकी आवर्त 25 लाख रुपए होने का अनुमान है, इस वर्ष उसके परिवहन सेवाएं भी प्रारंभ की हैं जिससे कि उसे वर्ष के दौरान 10 लाख रुपए की आय होने का अनुमान है। परिवहन सेवाएं भी प्रारंभ की हैं जिससे कि उसे वर्ष के दौरान 10 लाख रुपए की आय होने का अनुमान है। तो यहां पर देखिए, जो मोटर पार्ट के व्यवसाय है और वित्तीय वर्ष 2021 के अंदर उसकी आवर्त 25 लाख रुपए होने का अनुमान है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो अपनी यहां तक ये कह सकते हैं कि भाई ये जो चीज है वो अपनी को क्या कहती है कि 25 लाख रुपए का उसका जो अनुमान है, तो केवल अगर मोटर पार्ट का व्यवसाय है इसलिए वो केवल मोटर पार्ट का व्यवसाय है, तो ऐसी स्थिति में तो वो लाइबल नहीं होगा क्योंकि 40 लाख रुपए से कम की बिक्री हो जाती है। लेकिन ये कह रहा है कि उसने 2021 में इस वर्ष में उसने परिवहन सेवाएं भी प्रारंभ की हैं, यानी सेवाओं की आपूर्ति का काम भी प्रारंभ कर दिया है, और उसे वर्ष के दौरान 10 लाख रुपए की आय होने का अनुमान है, तो यहां पर ये उसके लिए 25 लाख रुपए वाली सीमा की बजाय 20 लाख रुपए की सीमा लागू हो जाएगी, और 20 लाख रुपए की सीमा लागू हो जाएगी तो वो इसके लिए लाइबल हो जाएगा। तो इस स्थिति के अंदर ये जो है वो लाइबल हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि ये केवल माल के अलावा सेवाओं का भी ये आपूर्ति करता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। और क्योंकि 20 लाख रुपए से उसकी टर्नओवर होती है तो वो दायी हो जाएगा। एक वकील द्वारा प्रदत्त सेवाओं का मूल्य जो है वो 18 लाख रुपए तो 20-21 में 25 लाख रुपए होने की संभावना है। तो यहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण बात होती है कि ये जो सेवाएँ होती हैं ये जो प्राप्तिकर्ता होता है यानी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत उसको जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए वकील द्वारा प्रदत्त सेवाएँ जो हैं उसके लिए वकील CGST चुकाने के लिए दायी नहीं है। एक व्यक्ति स्टेशनरी के सामान का विक्रेता है और केवल राजस्थान में आपूर्ति करता है, वित्तीय वर्ष 19-20 में उसकी आपूर्तियों का मूल्य अपन नीचे देख लेते हैं कितना था। स्टेशनरी की उसकी वस्तुओं का मूल्य जो था वो 18 लाख रुपए का था, तो 40 लाख रुपए से कम था, तो 19-20 में तो रेस्पॉन्सिबल इसके लिए लाइबल था नहीं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 20-21 में इस सप्लाईज एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ₹25 लाख। अब वो 20-21 के अंदर उसकी 25 लाख रुपए होगी तो भी यहां तक भी वो नहीं है, लेकिन कहता है कि 20-21 के अंदर ही इंटेंड्स टू मेक एक्सपोर्ट ऑफ ₹15 लाख टू अफगानिस्तान। अब 20-21 में वो 15 लाख रुपए का अफगानिस्तान में भी जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, और जो ही वो एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो वो इंटरेस्ट रेट टर्नओवर हो जाएगी और इंटरेस्ट रेट होते ही वो इसके लिए लाइबल हो जाएगा। तो ये 20-21 में ये लाइबल हो जाएगा जो कि 19-20 में ये लाइबल नहीं था, ठीक है। तो ये जो है ये स्थिति अपन ने यहाँ पर लेते हैं, और इसके बाद में देखिए अपन क्या है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन ने यहाँ देख ली। अब एक नया ये दूसरे वाला आगे वाला प्रॉब्लम अभी अपन लेते हैं। ये रश्मि 2020 में एक नया व्यवसाय प्रारंभ करने का इरादा है, 30 से 2020 तक की अवधि में निम्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है। तो ये इसमें ये जैसे ये टर्नओवर दी गई हैं, अब आपको कहता है कि इसकी कुल आवर्त ज्ञात कीजिए, और वो जानना चाहती है कि क्या GST के उद्देश्य से उसे पंजीकरण कराना चाहिए। तो चलिए अपन एग्रीगेट टर्नओवर इसकी कैलकुलेट करते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत इंट्रास्टेट सप्लाई को जोड़ा जाएगा, इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड को भी जोड़ा जाएगा, एक्सपोर्ट सेल्स को भी जोड़ा जाएगा, सप्लाईज मेड एज एजेंट ऑफ ए प्रिंसिपल ये भी जोड़ा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद उसकी 19,30,000 रुपये की टर्नओवर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए 19,30,000 रुपये की टर्नओवर देखते हुए तो इसको ही इज नॉट रेस्पॉन्सिबल या ही इज नॉट लाइबल टू पे GST, ठीक है, टू कलेक्ट GST फ्रॉम कस्टमर्स। लेकिन चूंकि उसमें एक टर्नओवर है वो एक्सपोर्ट सेल्स की है, और एक्सपोर्ट होते वो इंटरेस्ट रेट बन जाती है, और इंटरेस्ट रेट बनते ही चाहे एक रुपये की क्यों ना हो उसको वो लाइबल हो जाता है, पंजीयन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट हो गई, 19,30,000 20 लाख से कम उसके बावजूद भी वो इसके लिए लाइबल हो जाएगा, ठीक है। श्री कपिल जिसने राजस्थान में माल सेवाओं की आपूर्ति के लिए व्यवसाय प्रारंभ किया, 1/19 से 31/20 तक की अवधि के लिए उसके पास निम्न सूचनाएं हैं। अब देखिए यहां पर आपको सामने है सेल ऑफ डीजल ऑन विच सेल्स टैक्स इज लेवियड बाय राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। तो डीजल के ऊपर वैसे टैक्स नहीं लगता, लेकिन जब अपन एग्रीगेट टर्नओवर जब कैलकुलेट करते हैं तो चूंकि और भी उसकी चीज़ें सप्लाई की हुई हैं उसकी, इसलिए उसको जोड़ा जाएगा, तो इसको अपन लेंगे निश्चित रूप से। दूसरी है सप्लाई ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क फ्रॉम द प्लेस ऑफ मिस्टर कपिल डायरेक्टली बाय हिज प्रिंसिपल अंडर हुम ही इज रजिस्टर्ड एज जॉब वर्कर। तो अब यहाँ पर क्या है कि उसने जो उसका जो प्रिंसिपल था उसने माल को सप्लाई किया कपिल को, मिस्टर कपिल को, हम कपिल का हिसाब किताब बना रहे हैं, तो कपिल ने उस जॉब वर्क के ऊपर जॉब वर्क किया, वो काम किया, और उसके बाद में उसके प्रधान के निर्देशानुसार उसने कहीं दूसरी जगह उसको सप्लाई कर दिया, तो ये जो आपूर्ति है ये प्रधान की आपूर्ति मानी जाएगी, नहीं कि मिस्टर कपिल की, क्योंकि इसमें ये प्रोविजन स्पष्ट है कि जॉब वर्क के बारे में अगर किसी से जॉब वर्क करवाया जाता है तो वास्तव में वो प्रधान का ही माल था, प्रधान ने सप्लाई किया था, उससे तो केवल उसकी मजदूरी ली गई है, उससे तो जॉब वर्कर तो केवल अपनी मजदूरी लेता है, इसलिए इसको जो उसकी आपूर्ति ने मान करके, तो ये इस आपूर्ति को तो हम लेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं इसके अंदर। एक्सपोर्ट सप्लाई हम जोड़ लेंगे 5 लाख रुपये। सप्लाई टू इट्स ओन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान अंडर सेम रजिस्ट्रेशन
अब देखिए यहाँ पर एक ही उसी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत कोई रजिस्टर्ड संस्था है उसी की, और वहाँ पर उसने उसको जो है दूसरा प्लेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है राजस्थान के अंदर, और वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन भी एक ही उसका जीएसटी नंबर, और वहाँ पर उसने माल को अपनी ब्रांच को स्थानांतरित किया है, तो ये खुद के पास ही सप्लाई है, इसलिए इसको आपूर्ति नहीं माना जाएगा क्योंकि सेम रजिस्ट्रेशन के अंडर में है, तो इसलिए इसको तो हम जोड़ेंगे नहीं आपूर्ति के अंदर। सप्लाई ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो ये तो इसमें जोड़ा ही जाएगा, चाहे एग्जेम्प्ट है चाहे टैक्सेबल है। तो हमने क्या जोड़ा, 8 लाख जोड़ा, फिर अपने 5 लाख 13 लाख हो गया, फिर 6 लाख 20 हज़ार यानी 19 लाख 20 हज़ार रुपये जो है वो टोटल मिला करके टर्नओवर, इसकी एग्रीगेट टर्नओवर हुई, और ये टर्नओवर उसकी की है 20 लाख रुपए से कम की है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सप्लाई तो कोई बात नहीं है, ये सप्लाई जो है 20 लाख रुपए से कम है, इसलिए उसको उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हुआ। लेकिन चूंकि उसने एक्सपोर्ट भी किया है इसलिए उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। बस ये खास बात, वो ऊपर वाली सी बात इसमें आ गई। इसमें दो नई बातें ये हैं कि इसमें अपन ने देखा कि भाई वो उसकी रजिस्ट्रेशन के अंदर सम्मिलित नहीं करते हैं, किसी जॉब वर्कर के द्वारा अगर कोई जॉब वर्कर की सप्लाई किया जाता है तो प्रिंसिपल की सप्लाई होती है, ना कि जॉब वर्कर की होती है। और अगर अपने ओन अगर के सेम रजिस्ट्रेशन वाले किसी ओन बिजनेस की ब्रांच को अगर कोई माल ट्रांसफर होता है तो वो भी आपूर्ति की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर में उसको नहीं जोड़ते। तो ये बातें अपनी हुई, और इसके बाद में एक प्रॉब्लम इसमें लास्ट में और लेते हैं अपन। ये स्वदेशी ऑयल्स जयपुर की ने अप्रैल 2020 माह में मशीन ऑयल्स और डीजल की आपूर्ति प्रारंभ की है, उक्त मामले इसके निम्न निम्न प्रस्तुत किए गए। अब आप ध्यान से देखिए, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल, सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल ऑयल, सप्लाई मेड थ्रू फोर्टिस लुब्रिकेंट्स एंड एजेंट ऑफ स्वदेशी ऑयल्स इन जयपुर, सप्लाई मेड बाय स्वदेशी ऑयल्स फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब। तो ये कहीं पर भी हो कैसे भी हो, ये सारा माल ऑयल का मामला है, और ऑयल जो है पेट्रोलियम पदार्थ, ये पूर्णतया इसमें करमुक्त की श्रेणी में आता है जो जीएसटी के दायरे में नहीं है, इसलिए ये समस्त आपूर्तियां कितनी भी क्यों नहीं हो उसने केवल और केवल करमुक्त माल की ही आपूर्ति की है, इसलिए उसे रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है या दायी नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और ये चाहे कहीं पर भी किसी भी शाखा को किसी भी मूल्य पर कुछ भी करे, लेकिन केवल और केवल उसने पेट्रोलियम पदार्थ को कोई ही आपूर्ति कर रहा है तो वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है, नॉट लायबल इन बोथ द केसेस, यानी जब उसने ये मशीन की आपूर्ति हिमाचल प्रदेश में भी की तो कहीं करो नहीं, क्या मतलब है जब वो पेट्रोलियम पदार्थ है ही नहीं इस दायरे में। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको कारण सहित इसके अंदर नीचे मेंशन की हुई हैं, ये सब चीज़ें अपन ने रजिस्ट्रेशन के संबंध में आज अध्ययन किया। प्रिय विद्यार्थी, मैं फिर आपको एक बात बता देता हूँ, आप जो भी बुक आपके सामने आपके पास हो जो आप लें बुक, उसकी जो है वो सारे एग्जांपल्स आप देखें, सारे उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, और साथ ही जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप गूगल इस पीडीएफ लिंक आपको अवेलेबल है जहाँ पर गूगल ड्राइव में, और आपको वहाँ से मेरी इसमें पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी जिसमें आपको पूरे नोट्स जो आपको सामने दिख रहे हैं ये नोट्स आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उसको आराम से देख करके पढ़ के समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।